हेलो फ्रेंड्स, पहले पार्ट में देखिए हम लोगों ने रोलेट एक्ट तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब देखिए ये चंपारण मूवमेंट या चंपारण सत्याग्रह, ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1900, चंपारण मूवमेंट हुआ था आपका 1917 में, ठीक है, 1917 में हुआ था। उसके बाद में ये देखिए फर्स्ट वुमेन INC प्रेसिडेंट, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी, ठीक है, वो कौन था आपका? एनी बेसेंट थी, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूछी जाए कि फर्स्ट फर्स्ट इंडियन वूमेन सर फर्स्ट इंडियन वूमेन हुई इज INC प्रेसिडेंट, तो वो कौन थी आपकी? सरोजनी नायडू थी, ठीक है। इसके बाद ये देखिए मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स आपका कब हुआ था? ये आपका 1909 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये जालियावाला बाग कब हुआ था? जालियावाला बाग मैसाकर कब हुआ था? ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919, ठीक है। ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919, ठीक है। इस दिन बैसाखी का दिन था, और जो अमृतसर में जलियांवाला बाग है वहाँ पे बहुत सारे लोग ये बैसाखी का त्यौहार मनाने के, बैसाखी का दिन था तो ये एक सैफुद्दीन किचलू एक नेता थे, वो गिरफ़्तार कर लिए गए थे। तो उस चीज़ को अपोज करने के लिए लोग शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे जनरल डायर आया, उसने निहत्थी भीड़ पर जो है ये गोलियाँ बरसा दी, तो बहुत सारे लोग इसमें मर गए थे। तो इसके आगे ये इस चीज़ के लिए रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी ये नाइटहुड की उपाधि जो अंग्रेज़ों की तरफ से उन्हें मिली हुई थी, तो ये जालियांवाला बाग की वजह से जो वहाँ पे जो भी घटना घटित हुई तो उन्होंने उसको त्याग दिया था, रिनाउंस कर दिया था, ठीक है। इसके बाद में ये देखिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं आपकी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो तीनों के तीनों हुई कब हैं, ठीक है। पहली वाली जो हुई है वो आपकी 1930 में हुई है, दूसरी वाली 1931 में हुई है, तीसरी वाली 1932 में, यानी 1930, 31, 32, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन और आते हैं कि गांधी जी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, तो गांधी जी ने आपकी करी थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी वो ज्वाइन करी थी। बाकी एक क्वेश्चन यह भी आता है कि जो तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो किसने अटेंड करी थी, वो आपकी करी थी BR अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी आपकी, तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्होंने अटेंड करी थी, ठीक है। अब ये देखिए आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए कहा जाता है, ठीक है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो बहुत देश की आज़ादी के बाद बहुत सी रियासतें थी, बहुत सारे ऐसे स्थान थे जो इंडिया में सम्मिलित नहीं थे, तो उन्होंने उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करी, तो इसमें इनका काफ़ी सहयोग था। और इसी के उपलक्ष्य में ये 31 अक्टूबर को ये नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी की बहुत सारी रियासतों को एकत्रित किया था इन्होंने, इनका काफ़ी इसमें सहयोग था, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी फेमस क्यों हैं? इन्होंने एक बुक लिखी थी आपकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो इन्होंने इसमें जो ये बुक का नाम मैंने बताया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, इसमें इन्होंने ये नेशनल इनकम जो हमारी राष्ट्रीय आय है तो इसका सबसे पहले एस्टिमेशन इन्होंने ही किया था, ठीक है। नेशनल इनकम का एस्टिमेशन सबसे पहले इन्होंने किया था। उस टाइम में इन्होंने बताया था कि भारत की जो नेशनल इनकम है करीब 20 रुपये है, तो ये बात है करीब आपकी ये शायद अप्रोक्सीमेटली 1867 के आसपास की बात है जब इन्होंने ये नेशनल इनकम निकाली थी जो थी हमारी करीब 20 रुपये, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए बुक लिखी हुई डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तो काफ़ी सरल है, ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। इसी तरीके की एक बुक है विंग ऑफ फायर, ये किसने लिखी थी? APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखी थी। ये दिल्ली चलो का स्लोगन या नारा है वो किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और सुभाष चंद्र बोस जी ने ही जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था जो इन्होंने 1939 में बनाया था, 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी इन वीडियोस को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी इसमें गलतियां अगर आपको नज़र आती हैं, कोई गुंजाइश है किसी चीज़ की, तो वो कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। धन्यवाद।